हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू गेट मोर फ्लावर और बिग फ्लावर इन अ रोज़ प्लांट। आप जैसे देखते हैं कि कई बार मैंने आपको वीडियोस कई सारी बताई है, इसमें केयर कैसे करनी है, इसको रखना कहाँ पे है और भी उसकी जो छोटी मोटी जो बेसिक केयर्स रहती है वो सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। बट आज मैं आपके साथ एक अनोखी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो एक्सपेरिमेंट किया था मैंने अपने रोज़ प्लांट के ऊपर और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है कई सारे अलग अलग कलर्स के जो है अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के रोज़ प्लांट्स रखे हुए हैं और उसमें जो उसकी ब्लूमिंग्स आ रही है या जो उसके जो फ्लावर बड बने हैं या फ्लावर्स आ चुके हैं उसका आप साइज़ देखिए और कंपैरिजन कीजिए, और साइज़ के साथ साथ आप ये देखिए कि कितने सारे इसमें फ्लावरिंग बड बन के निकले हैं। तो बेसिकली ये होता कैसे, ये आपके साथ मैं भी शेयर करूँगा और आप भी अपने प्लांट्स में ऐसे ही रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5, एक साथ पांच जो है फ्लावर इसमें एक साथ ही फ्लावरिंग कर रहे हैं, बंचेस में फ्लावरिंग हो रही है रोज़ प्लांट पे। यहीं पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप इस फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं, जितना बड़ा एक लोटस का फ्लावर होता है उस तरह का इसका दोस्तों फ्लावर आया है। साथ में यहाँ पे जिसका भी ये बड बन के तैयार हो रहा है वो भी उसका इतनी बड़ी साइज़ में खिलने वाला है। जिस प्लांट्स में भी आपको नहीं दिख रहे हैं फ्लावर्स उसमें जो है फ्लावरिंग बड बन के तैयार हो गए हैं और वो भी कुछ ही दिनों में अच्छी तरीके से फ्लावर बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सब मेरे ये नॉर्मल रोज़ प्लांट्स हैं, बहुत बड़े साइजेस के नहीं होते हैं, बट इसको मैंने अपने एक ट्रिक के हिसाब से इसको इतना बड़ा किया है और वो है दोस्तों एक अच्छी केयर। केयर कैसे करनी है देखिए, मैं 2-3 चीज़ ही आपको बताऊँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है प्लांट्स में, रोज़ प्लांट में खास करके फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजर जो है आपको ज़्यादा इसमें ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि रोज़ प्लांट जो एक हैवी फीडर है और इसमें समय समय पर अगर आप फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, फर्टिलाइजिंग करते रहेंगे तो प्लांट्स में आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आज मैं के साथ जो है 3 फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूँ जो बेसिकली मैं अपने रोज़ प्लांट में यूज़ करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों तो बोन मील मैं जब अपने प्लांट्स में गुड़ाई करता हूँ उसी टाइम दे देता हूँ, महीने में एक बार। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फोरस का सोर्स होता है प्लांट्स को अच्छी तरीके से ग्रोथ मजबूत बनाने के लिए, नई फ्लावरिंग बर्ड्स लेके आने के लिए और उसमें अच्छा कलर बनाने के लिए। तो आप उसका ज़रूर यूज़ कीजिए। साथ में मैं यूज़ करता हूँ बायोजाइम आप बीच बीच पे अप्लाई करते रहेंगे वही 15 से 20 दिन में एक बार, तो आपके प्लांट्स में उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि जो भी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो रही होगी वो प्लांट्स में फुलफिल हो जाएगी और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र वो मैं यूज़ करता हूँ जीवामृत लिक्विडली कैसे बनाना चाहिए, उसको कैसे बनाया जाता है वो मैं पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं फर्टिलाइजिंग सेक्शन में, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे बनाना है। और भी कई सारे फर्टिलाइज़र हैं पर जीवामृत दोस्तों जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी इसको 2 बार ही मैंने अप्लाई किया और रिज़ल्ट मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव देखने के लिए मिला है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। कलर्स के साथ साथ प्लांट्स में जो आपको एक अलग चमक देखने के लिए मिलती है वो भी आ रही है। जिन प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई थी या एकदम से जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में, या कह सकते हैं आप, कई बार क्या होता है रोज़ प्लांट भी दोस्तों अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो उसके बाद भी दोस्तों अब जो है ये अच्छी तरीके से इसको डालने के बाद भी ग्रोथ में आ गए हैं। तो इस टाइम मैंने किसी भी तरह का NPK या DAP का स्प्रे नहीं किया है, प्लांट्स में नेचुरली ही ग्रो हो रहे हैं। दूसरा मैंने इसमें ध्यान दिया है सनलाइट, लाइटिंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट के लिए। तो लाइटिंग कंडीशन मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कि आपको रोज़ प्लांट में कैसे सनलाइट देनी है। देखिए, मैंने इनको ऐसी जगह पे प्लेस किया जहाँ पे इनको मॉर्निंग की सनलाइट मिल रही है, मॉर्निंग में इन्हें 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिलती है प्रॉपर, उसके बाद यहाँ पे ब्राइट लाइट रहती है, शेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट्स की जो है जितनी भी नीड होती है वो पूरी कर लेता है, फोटोसिंथेसिस जो है बना पाता है। उसके बाद जब वो लाइट जो है ना थोड़ा सा डिम हो जाती है या ब्राइट लाइट पर चला जाता है, डायरेक्ट हार्श सनलाइट नहीं पड़ती, उस कारण से क्या होता है कि इन प्लांट्स का, इन फ्लावर्स का जो कलर है वो मेंटेन रहता है। कलर मेंटेन रहेगा तो काफ़ी दिन तक जो है आपके रोज़ में इसी तरह स्टेबल रहेंगे, इसके पूरे फ्लावर गिरेंगे नहीं, जल्दी से बर्न नहीं होते। आप फुल डे सनलाइट पर रख दीजिएगा फिर कंपेयर कीजिएगा तो आप देखेंगे कि जल्दी से आपके रोज़ प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर मॉर्निंग किसी भी से सनलाइट मिल रही हो, पूरे दिन इसे मत रखिए। एक ये जो है बहुत ही बेसिक सी टिप है, वो काम आएगी आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि समय इसमें पेस्ट बहुत लगते हैं,
पेस्ट का अटैक हो जाता है। कई बार अभी मेरे सारे प्लांट जो बहुत हेल्दी थे पर एक प्लांट में दोस्तों स्पाइडर माइट का अटैक हो गया, उस कारण से जो उसकी फ्लोरिंग बर्ड ओपन ही नहीं हो पा रहे थे और लीव्स बाकी गिराया जा रहा था वो, तो फिर मैंने जो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया और वो फिर से नॉर्मल हुआ। तो आप भी थोड़ा सा देखते रहा करिए, इसमें काफ़ी जल्दी से पेस्ट अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको ख्याल रखना है दोस्तों वाटरिंग का। वाटरिंग का खास ख्याल रखेंगे आप, समय समय में वाटरिंग करते रहेंगे रोज़ प्लांट को, तो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ आपको दिखाएगा। जो उसके मैच्योर बर्ड्स हैं कई बार ओपन नहीं हो पाते वो इसी कारण से कि उसमें जो है प्रॉपर वाटरिंग नहीं मिल पाती है। तो रोज़ प्लांट में आप तभी वाटरिंग करें जब उसमें ज़्यादा ज़रूरत लग रही हो आपको, ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा नहीं तो आपका प्लांट जो है रूट रॉट के कारण ख़राब हो जाएगा। बीच बीच में दोस्तों इसमें फंगस भी लगते हैं, तो कई बार क्या आप फंगीसाइड का भी स्प्रे कर दिया करिए तो प्लांट भी आपका अच्छी तरीके से चलता रहता है। और वाटरिंग की बात करूँ तो आप अपने फिंगर की हेल्प से एक बार देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी नमी महसूस हो रही है तो आप उसको वाटरिंग मत कीजिए, थोड़ा सा ड्राई होने पर आप उसे वाटरिंग कर सकते हैं। गुड़ाई करके वाटरिंग कर देंगे तो एरिएशन भी अच्छा बना रहेगा, पानी नीचे तक जाएगा आपका। तो ये छोटी छोटी सी जो है आपको ट्रिक्स काम में आएंगी आपके प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए। रोज़ प्लांट में एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जैसे विंटर्स का टाइम चल रहा है तो इनको रेगुलर बेसिस पे आप वाटरिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इनको चेक करके वाटरिंग करें, 2 से 3 दिन में भी अगर आप वाटरिंग कर देते हैं तो इनके लिए काफ़ी रहता है, क्योंकि जल्दी से जो है पानी सूखता नहीं है समय, और आप रेगुलर वाटरिंग करते रहेंगे तो प्लांट फिर अपनी पूरी फ्लोरिंग बर्ड गिरा देगा या फिर उसे ओपन ही नहीं करेगा। तो रोज़ प्लांट में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि हमारे में जो है फ्लोरिंग बर्ड्स नहीं बन रही हैं या नई ग्रोथ नहीं आ रही है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। इस बार फ्लावर उतने अच्छे नहीं आए जितने हर साल आते थे, एज़ कंपेरिजन टू लास्ट ईयर अगर मैं बताऊँ तो लास्ट ईयर फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी थी। कई बार हो जाता है सीज़न या एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, जैसे इस बार अमरूद की इतनी अच्छी दोस्तों नहीं हो पाई है खेती। कई बार आप देख रहे होगे अपने आसपास भी, तो आप देखोगे कि कई बार आम भी उतने अच्छे तरीके से नहीं आते, तो वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे। तो आप उसके से घबराए नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ रोज़ प्लांट में एक छोटी सी ट्रिक कि आप भी जब भी फ्लावर आ रहा है ना तो उसके नीचे से 3 से 4 पत्ती आप नीचे छोड़ के उसे कट देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से एक नई शूट्स निकल के आती है, क्योंकि रोज़ प्लांट में नई ग्रोथ पे ही दोस्तों फ्लावरिंग होती है। और वहाँ पे आप नई बर्ड्स तभी बनेगी जब आप उसको थोड़ा सा कट करेंगे, वहाँ से नई ग्रोथ निकलेगी, फिर वहाँ से दोस्तों फ्लावरिंग होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी सी चीज़ रहती हैं जो आपको अच्छी फ्लावरिंग पाने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप आपने देखा होगा और इन्जॉय किया होगा मेरे प्लांट्स को और ये फ्लावर्स को कि ये इतने बड़े साइज़ के कैसे आ रहे हैं, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया छोटी छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करता हूँ। आई होप आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी, और अगर आप इसे यूज़ करें तो मेरे साथ कमेंट पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।